जी, और अब ये आयोजन जो है बहुत ही कमाल का हो गया है और तमाम बुद्धिजीवी वर्ग आज हमारे बीच में उपस्थित है, एक से एक बेहतरीन विचार जो है सुनने को मिलेंगे। अभी सत्येंद्र जी ने बहुत ही कमाल की बात कही, उन्होंने कहा कि भाई हम तो जो है बहुत छोटा मोटा काम कर रहे हैं और हम उन्हें सुनेंगे जिन्हें बहुत ज्ञान है। मुझे लगता है कि ज्ञान होना भी उतना ही अनिवार्य है, लेकिन उसके साथ साथ चेतना होना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति ये चेतना रखता है कि मुझे जो है सजग, मतलब वो सजग है तमाम समस्याओं को लेकर के, तो हम आधी जीत हासिल कर लेते हैं। तो ये जो आज संख्या है ना, ये वो चेतन व्यक्तित्व हैं सारे जो वास्तव में चिंतित हैं कि अब जो है कुछ तो होना चाहिए, अब तो बचाना पड़ेगा ही पर्यावरण को प्रदूषित होने से और इस प्रकृति को इस तरह से धीरे धीरे अपने सामने ढहते हुए देखना। अंधानुकरण जो हुआ है आधुनिकता में, जिस तरह से पेड़ कट रहे हैं और लगातार इमारतें खड़ी हो रही हैं, उसमें जो है बहुत बहुत नुकसान भी हुआ है। आधुनिकता और पारंपरिकता का सामंजस्य किस तरह से हो, दोनों चीजों को एक साथ लेकर के कैसे चला जाए, ये प्रयास करने होंगे। और ये बिल्कुल आज वही मुहिम चल रही है, तो इसी क्रम में मैं आगे आमंत्रण दे रही हूँ आदरणीय श्री देवेंद्र कुमार जी को, जो नेहरू युवा केंद्र से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि वे आए और आकर के अपने बहुमूल्य विचार रखें। आइए, मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों का और मंच पे आसीत सभी विद्वान वक्ताओं का, मनीषियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जो मेरे सामने बैठे हैं वो भी बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत ही मनीषी व्यक्ति हैं। ऐसे मंथन और चिंतन कार्यक्रम में सभी लोग नहीं आते, जिनको समाज की चिंता होती है वे ही लोग हिस्सा लेते हैं, तो उनका भी एक बार फिर से स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। मैं नेहरू युवा केंद्र से संबंधित है, हमारा डिपार्टमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का है, जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करता है, जिसमें युवाओं को यूथ मंडल बना करके, युवा मंडल बना करके गांव-गांव में संगठित किया जाता है और उनके माध्यम से सरकार की योजनाओं को ग्रास रूट लेवल तक फैलाया जाता है तथा विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनको संगठित करके रखा जाता है, जिसमें से जो हमारी संस्कृति है उसमें संस्कृति के कार्यक्रम किए जाते हैं, यूथ एक्सचेंज के कार्यक्रम किए जाते हैं, युवाओं को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में ले जाने के लिए हम यूथ एक्सचेंज करते हैं, विदेशों में भी हमारे डेलीगेट्स जाते हैं, नेहरू युवा केंद्र के जो युवा साथी हैं उनको हम विदेशों में भी, जब भी सरकार मौका देती है तो डेलीगेट्स के रूप में विदेशों में भी भेजते हैं, उनके माध्यम से हम सरकार की योजनाओं को इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की और उनको ग्रास रूट लेवल तक फैलाते हैं। इसी के साथ हम आजकल एक प्रोग्राम चला रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का, जिसका नाम है कैच द रेन। कैच द रेन के माध्यम से हम जगह जगह संगोष्ठी कर रहे हैं और उसमें लोगों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, ई पोस्टर के माध्यम से जल के संचयन, जल के संरक्षण और वर्षा के जल के को किस प्रकार से संचय किया जा सकता है उसके लिए जागरूक करते हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी पर 71% भाग जो जल से ढका हुआ होने के बावजूद भी जल की अत्यधिक कमी है, टोटल जल का 99% जो है वो समुद्री जल या खारा जल है, सिर्फ 3% जल ही फ्रेश जल के रूप में माना जाता है। उस 3% में भी 68.7% जो है ग्लेशियर में है, 30% भूमि जल में है और 1.3% जो है सतही जल के रूप में माना जाता है। सतही जल पे जो हमारी नदियां हैं या जो तालाब हैं जिनका अतिक्रमण बड़ी तेज़ी से जा रहा है और उनको दबाया जा रहा है, नदियों की स्थिति देख रहे हैं, उसमें जो पोल्यूशन की स्थिति है, जो कल कारखाने जितने भी चल रहे हैं उसकी वजह से जो पोल्यूशन की स्थिति है, और मई जून जुलाई में जो पानी का रंग है उसको देख करके पता चलता है कि उसमें पानी की स्थिति इस टाइम क्या है। और जल का जो दोहन चल रहा है, जो जल को जिस तरह से उपयोग किया जा रहा है, अनुपयोग, उसकी दुरुपयोगिता की जा रही है, गाँव में जो समरसिबल लगे हुए हैं उसमें जो पहले जो लोग थे जो हैंडपम्प या कुएं का यूज करते थे, अब समरसिबल के आने से यदि किसी को एक गिलास पानी भी भरना पड़ता है तो वो भी सिर्फ स्विच दबा करके एक गिलास पानी लेने के लिए आधा बाल्टी पानी चलाता है। हम गांव में सबको
जागरूक करते हैं कि जिन्होंने समरसिबल लगा रखे हैं कम से कम वो टंकी का यूज करें, जब उनको पानी की जितने की ज़रूरत है उतना ही लें और पानी का सम्मान करें। इसी के माध्यम से हम अपने युवा क्लबों के माध्यम से इस प्रकार के जागरूकता के कार्यक्रम करते हैं। हमें जितेंद्र नागर जी ने अभी एक दो दिन पहले ही इसके लिए बताया था कि एक प्रकार का प्रोग्राम है जो नदियों के प्रदूषण के ऊपर है और विशेष रूप से हिंडन नदी के ऊपर है जो 7 जिलों से होती हुई जिस प्रकार से उसमें प्रदूषण फैला हुआ है उसमें हमारे युवाओं का क्या सहयोग हो सकता है। हमारे गांव-गांव में युवा मंडल हैं, हम उनका सहयोग इनको पूरी तरह से देने के लिए तैयार हैं और अपने युवा मंडलों के माध्यम से भी लोगों को सचेत करेंगे जो गाँव हैं नदियों के किनारे, उनसे इस बात की जागरूकता फैलाएंगे कि इसमें इस अनुपयुक्त सामान जो है इस तरह का ना फैलाएं और जल के संरक्षण में और प्रदूषण में अपना सहयोग दे। इसी के साथ मैं बस अपनी वाणी को विराम करता हूं, मुझे कहीं जाना था इसलिए इन्होंने मेरा पहले नाम रखा। धन्यवाद। शुक्रिया सर, बहुत ही बेशकीमती विचार आपके और ये धारा यूं ही बहती रहेगी निरंतरता में।